नहीं दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कपिवा शिलाजीत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से बात करना चाहता हूँ, और इस बार बात करना चाहता हूँ कि भैया लगातार अगर आप इसको 1 से 2 महीने यूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे, क्या आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो पूरा देखे मैं आप लोगों को सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, यदि आप लोगों से मैं बात करूँ भैया कि भैया कपिवा शिलाजीत के बारे में, तो कपिवा देखिए ब्रांड है, कपिवा का फिर वो शिलाजीत है, यानी कि भाई कोई कपिवा है, कपिवा शिलाजीत कोई टर्म है, कपिवा एक ब्रांड हो गया, उसका शिलाजीत आता है। ठीक है, नो डाउट, यहाँ पे बात ये खत्म हो गई। फिर यहाँ पे दूसरी चीज आती है, आपको सभी लोगों को पता है कि भैया जो भी यंगस्टर है, टीनेजर है, चाहे मेल हो फीमेल हो, जो भी बंदा फोन चलाता है, उसके फोन में एक ना एक बार सोशल मीडिया को स्क्रोल करते हुए ये चीज़ निकल करके आती है कि भैया कपिवा शिलाजीत, कपिवा शिलाजीत, इससे ये, इससे वो, इससे ये, इससे वो। तो एक्चुअल में यूज़ करने के बाद आपके बॉडी में क्या चेंज देखने को मिलता है, मैं एक तरह से मान के चलिए एक तरह से ओनरशिप रिव्यू, यूज़ करने के बाद क्या इंपैक्ट पड़ा वो मैं आपको बता दूँ। चलो एक एडवर्टीजमेंट से हटके, एक जनरल आपकी तरह मैं कस्टमर बन करके आपके साथ मैं रिव्यू शेयर करता हूँ इस प्रोडक्ट का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि भैया यहाँ पर आपको कौन कौन से मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं, फिर उनको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला मेजर चेंज आपको जो देखने को मिलता है कि आपको लेजीनेस फील नहीं होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा लेजी रहते हैं, आपके बॉडी में एनर्जी कम रहती है, होता क्या है ना कि भाई कोई काम करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि भैया यार उठें, अरे यार चलो बाद में कर लेंगे, अरे ये हुए। कोई फिजिकल वर्क होगा जिसको आप टालते हैं, टरकाते हैं, वो चीज़ आपकी छूट जाए। क्यों? क्योंकि ये आपकी बॉडी में रिकवरी अच्छी देगी, मसल रिकवरी अच्छी होगी, जिससे आपकी बॉडी में आपको कभी भी, अगर आपको अपनी बॉडी से कोई काम करवाना है, फिजिकल काम कोई भी हो, आपको उसमें कभी भी थकावट नहीं होगी। और ये रिजल्ट आपको विद इन 15 to 20 days आपको दिखने लग जाए कि भाई आपकी बॉडी काफ़ी एनर्जेटिक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया यहाँ पर हम लोगों के साथ होता क्या है कि भाई हमारा स्टेमिना बहुत कम है, हम वर्कआउट के दौरान थक जाते हैं, प्रॉब्लम होती है, सोरनेस होती है, कुछ होती है। तो वहाँ पर ये आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया, एक तरह से कह सकते हैं वरदान की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हाँफने लगते हैं वर्कआउट के दौरान, मतलब थक के बैठ जाते हैं कि भैया और नहीं हो पाया। तो वो चीज़ आपकी क्योर करने में हेल्प करेगी, आपका स्टेमिना बूस्टअप करेगी, बिल्डअप करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5-10 मिनट्स रनिंग कर पाते हैं तो आपका स्टेमिना इंक्रीज हो जाएगा, 15 to 20 मिनट्स कर पाएंगे, मतलब आपको एक बूस्ट मिलेगा। जाहिर सी बात है, जो आपकी बॉडी में मसल्स के अंदर रिकवरी अच्छी होगी, आपकी मसल रिपेयर होंगी, आपके गुड हार्मोन्स एक्टिवेट होंगे, तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी में कोई भी ऐसी समस्या नहीं होगी जो आपकी बॉडी को थकाऊ बनाए, लथार्जिक बनाए, कोई ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो दूसरा पॉइंट आपको ये देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है कि भैया आपकी हेयर क्वालिटी इंप्रूव हो रही होगी, आपकी बियर्ड की जो क्वालिटी है, हेयर्स की, बियर्ड हेयर की क्वालिटी जो है वो काफ़ी इंप्रूव होती हुई आपको दिखेगी। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है मेल हार्मोन आपका बूस्टअप होगा, टेस्टोस्टेरोन बूस्टअप होगा, तो आपको यहाँ पे इन सब चीज़ों में क्वालिटी आपको इंप्रूव होती हुई दिखेगी। आपकी जो बियर्ड है, पैची बियर्ड जिनको आती है वो भी कम होती है आपको दिखेगी, जिन लोगों की पैची बियर्ड होती है, वैसे मेरी तो है नहीं, कंप्लीट है, लेकिन जिन लोगों को पैची बियर्ड है तो यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि भाई मेरी हेयर क्वालिटी और इंप्रूव हुई इसको यूज़ करने के बाद। साथ में जो हेयर फॉल वगैरह काफ़ी सारे लोगों को होता है तो वो भी कम हो जाता है, कई बार होता क्या है कि भाई हेयर थिन आउट होते हैं, पतले पतले बाल हो जाते हैं, तो ये सब कई बार टेस्टोस्टेरोन कम होने के कारण ही होता है। तो यहाँ पर अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है, एक चीज़ मैं आपको फिर से बता दूँ, ये आपका जो आयुर्वेदिक हर्ब है या आप जो भी कह लीजिए आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि भाई आपने जितना डाला उतना लगेगा, जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत होगी बॉडी उतना ही एब्जॉर्ब करेगी। आप कोई स्टीरॉयड नहीं दे रहे, इस चीज़ को आप दिमाग से निकाल दें, कपिवा शिलाजीत कोई स्टीरॉयड नहीं है, या कोई भी शिलाजीत कोई स्टीरॉयड नहीं है, ये एक नेचुरल हर्ब है भाई, आप सभी लोगों को पता है। इसको बताते हैं माउंटेन का स्वेट, या कहते हैं भाई पहाड़ का पसीना, इसको इस तरह से बताते हैं, वो होता है। यहाँ पर इस चीज़ को दिमाग से निकाल दे कि भैया अगर हमने ज़्यादा ले लिया तो नुकसान होगा, भैया यहाँ पर आप ज़्यादा लेंगे तो आपकी बॉडी में वेस्ट ही होगा, बॉडी उतना ही लेगी जितना उसको ज़रूरत होगी। और यहाँ पर ये तीन चीज़ें होने के बाद यहाँ पे आपको एक मेजर चेंज और देखने को मिलता है कि भाई आपको रात को स्लीप आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। जिनको रात को नींद ठीक से नहीं पड़ती है, रात को नींद नहीं आती, बेड पे लेटने के बाद छटपट आते रहते हैं, तो भैया यहाँ पे आपका स्ट्रेस कम करने में हेल्प करता है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, आपको रात को सोने में काफ़ी आसानी होगी। जो लोग मौसम चेंज होने पर बीमार होते हैं कि भैया अरे भाई मौसम बदल गया, हवा बदल गई, भाई जुकाम हो गए, तो भैया इन सब चीज़ों से भी आप निजात पा जाएंगे। अब आप सोचिए 800-900 रुपये की चीज़ इतनी ज़्यादा आपको फ़ायदा दे रही है, तो आप क्यों इसको ले नहीं सकते, क्यों एक चीज़ को लेने से पहले इतना सोचना पड़ता है? तो यहाँ पे आप एक बार इसको ट्राई करके देख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। मैंने आपको एक ओनरशिप रिव्यू दिया, एक मान के चलिए कस्टमर होने के नाते मैंने आपको एक रिव्यू दिया, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तो भाई अपनी तरफ से सारी जानकारी दे दी जो मैं अपने आपसे दे सकता था, आप लोगों को मैंने बता दिया अपना रिव्यू, अब बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। मैं समझ सकता हूँ कि भाई आप लोग भी कस्टमर हैं, आप लोग भी सोचते हैं कि भैया यहाँ पर थोड़ा सा हमें ऐसे चीज़ें देखने को मिले कि भाई यहाँ पे ऑथेंटिक हो, हम चीज़ें जान लें। तो यहाँ पे आपको इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे जो डाउट हैं वो खत्म हो गए होंगे।
अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप इसको लेना चाहते हैं कि नहीं। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ये चीज़ कहीं ना कहीं ठीक है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप किस ब्रांड का लेंगे वो मैं आपको नहीं बता सकता। मैंने कपिवा का यूज़ करा तो मैंने आपको बता दिया, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई आप कौन सा लेना चाहते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको छोटी सी वीडियो में जो भी मैंने आपको जानकारी दी पसंद आई होगी, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।